व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं टोटल गेमिंग जो चैनल है उनका एक और चैनल है अज्जू भाई, लेकिन उसका मैंने नोटिस किया अजय नाम चेंज हो गया, अजय वर्स हो गया शायद से। तो किस किस को पता है जरूर बताना कमेंट करके। और आज हम देखने वाले हैं OMG रियल भूत मीम रिव्यू। तो देखते हैं कौन से खतरनाक भूत देखने को मिले। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। अज्जू भाई वो भी हो जाएगा कमेंट में। और बताना सबसे डरावनी क्लिप कौन सी ली, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। डरावना तुझे देख के लग गई ना पहले क्लिप। शुरू, 1, 2, 3, गो। तो भाई लोग, एक और बार आप सभी का स्वागत है एक नए मीम रिव्यू में। आज भी मैं, ईशान भाई और अमित भाई मीम रिव्यू करने वाले हैं। और ये वाला एपिसोड नंबर कितना है पता नहीं, आई थिंक तीसरा या चौथा एपिसोड होगा। और इसमें अपन लोग चौथा एपिसोड है ना, हाँ। तो आज भी अपन लोग मीम रिव्यू करेंगे और हमारे साथ ईशान भाई और अमित भाई जुड़ चुके हो। कैसे हो तुम दोनों यार, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, और उनाड़ा होता है, उनाड़ा क्या बोलते इसको यार, बाइक सीट्स इन समर। सीट की हालत कैसी हो जाती है? बहुत बड़ी आवाज लगाई है। अंडा ऑमलेट हो गया, ऑमलेट खाना भाई, उठा भी ऐसे ही गर्म होता है सीट, कुछ ज्यादा चेहरे थे। हे भगवान, क्या लोग है यार, कोई इज्जत ही नहीं है। वेट फॉर इट, कोई इज्जत नहीं है। कहाँ से आता, आराम से गया चेक करने के लिए, भूत है कि नहीं, एक झपड़ मार के भाग गया। और सही तो भूत भी ऐसा देख रहा था, उसने कुछ नहीं किया, उसको लगा कि भाई यार चलो छोड़ देंगे शायद, भाग जाएगा इधर। क्या तमाचा दिया आगे, क्या वॉच ब्रिलियंट। कराची से लोग कराची से लोग ईद मनाने अपनों में अंदरून मुल्क जा रहे हैं। बजरंगी भाईजान में भी कामिल युद्ध के साथ चांद नवाब। अच्छा, उस आए बजरंगी भाईजान। एक दफा दे दूं, कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल युद्ध के साथ चांद नवाब इंडस न्यूज कराची। चांद नवाब अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल युद्ध के साथ चांद नवाब इंडस न्यूज कराची। बड़ा बेगरत आदमी से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई। पंडित जी ओपी, अरे एक मिनट रुको, पंडित जी का कोई मीम आया पंडित शादी भाई का है ना, जो भाई का इंटरेस्ट अलग ही लेवल का होता है, लेकिन हुई नहीं है ना नहीं ना, लेकिन हो जाएगी उसके बाद इंटरेस्ट कम हो जाएगा। कलाकार हो गए पक्का। पति बता धर्म, पति का धर्म, पति की हर कहने पे चलना चाहिए। अगर पति ने कह दिया कि भाई मेरे चार दोस्त आ रहे हैं थोड़ा उनके लिए चाय बना दे, और तुम किसी अन्य काम पे बिजी हो, ये नहीं बोलना कि भाई तुम्हें बना लो, ठीक है ना। ये दोस्तों के सामने नहीं बोलना, भले पीछे बोल देना कि भाई ऐसे ऐसे लुंडे गुंडे नहीं आने चाहिए, दोस्तों के सामने सही बात है, दोस्तों के सामने, दोस्तों के सामने इज्जत नहीं जानी चाहिए। मुझे क्या लगता है ये पंडित जी के बोलने में दर्द है, इसलिए ये सब बोला जा रहा है। क्या पता पंडित जी के साथ ही ऐसा हो रहा हो, पंडित जी के साथ ही एक साल पहले हुआ होगा और वो ये समस्या से जूझ रहे हैं। पंडित जी ने शपथ खाया होगा, सब सभी बीवी को पाठ पढ़ाऊंगा बोल के। यार ये तो गुजराती मीम डाल दिया, ये कोई गुजराती बंदा मीम डाल रहा है क्या? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लिखा है, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हम जब मम्मी के साथ कुछ लेने के लिए जाते हैं तब दुकान वाला पहला है, दुकान वाला
फिर हु मतलब कि मी मतलब मैं हूँ और ये मम्मी जी है, ये मम्मी जी है लास्ट में। ओके चलो दुकान वाला मैं और मम्मी जी। सात करो डाली डेढ़ सौ रुपया दे दुकान। अच्छा बार्गेनिंग हो रहा है। ओके मतलब कल ही देख पता है कि ये मूवी दो दोनों भी इधर पर फिर ले मम्मी बस मीम के लिए देखा है पता है डेढ़ सौ रुपया देगा भाई। मीम तो है पूरा मूवी मीम है। दुकान वाले ने बोला सात करोड़ देगा, मैं बोला 40 लाख देगा और मम्मी जी बोले 150 रुपया देगा। सीधा डेढ़ सही बात है। सिंगर बड़े हैवी सिंगर हो क्या बात है। कौन सा सिंगर है? देखो जो बाकी धड़कते ना इंग्लिश शादी है ना इंग्लिश गाना गा के सुना। हम करते हैं प्रबंध। चलो भाई इसने बहुत गाने गाए बच्चे ने। कैसे करता है वो हैवी ड्राइवर था ये ज्यादा ही। भगवान भाई ये मैंने सुना हुआ है बहुत फनी है। अरे फिर देख के पक्का ये है क्या तुम बैठ उसको पकड़ेंगे लड़की भी नहीं है। ये भी ऐसे ही फंसा था भाई। लड़की के लड़की लड़की के लग गए भाई। ये सच में बहुत खतरनाक है। कुछ कौन होता है यार ये भगवान। बट अनएक्सपेक्टेड था कि ये होगा अभी। कसम से ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा ट्विस्ट आने वाला है। हां अलग ही लेवल का ट्विस्ट था यार एकदम ही भाई है। इस्तेमाल क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको जितना मर्जी मारें उसको कुछ नहीं होता लेकिन हम बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चों को हम एंजॉय कैसे कर सकते हैं? अच्छा वो कौन सी चीज है जो नहाने से छोटी हो जाती है? एक मिनट जो पहले मीम देखेंगे पूरा कुछ तो है गड़बड़। हां सर सर कुछ तो है गड़बड़। कुछ अलग दिशा में जा। अच्छा वो कौन सी चीज है जो नहाने से छोटी हो जाती है? साबुन वो कौन सी चीज है जिसको इतना मारते हैं उसको कुछ नहीं? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा पहले सुनने का कोई बीच में नहीं बोलेगा कुछ भी। कुछ चीज़ें जिसको इतना हम मारते हैं उसको कुछ नहीं होता और हम बहुत एंजॉय करते हैं। कुत्ता देखिए दुख वो कौन सी चीज़ें जिसको जितना मर्जी मारें उसको कुछ भी नहीं होता और हम काफी एंजॉय करते हैं? औरत याद ना रखे। ओके कभी याद ना रखे कृपया इसको अज्जू भाई के चालक के साथ ना जोड़ी। ये मीम है ये मीम है इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। कौन मीम डाल रहा है ऐसे भगवान जाने बट हमारी सोच ऐसी नहीं है भाई बिल्कुल ऐसी नहीं है। हां बिल्कुल नहीं भाई हम ओपन माइंडेड है ऐसा इतना गंदा माइंडेड नहीं है। क्या बोलते हो अमित भाई? अमित भाई शौक समझा भी नहीं किस चीज की बात कर रहे हैं वो। अच्छा बहुत बढ़िया किस्मत भाई 10000 आईक्यू वाला बंदा कोई आज 10000 मैं कह रही नो आईक्यू तो देखना पड़ेगा। लो आईक्यू वाले 10000 आईक्यू देख रहे हैं। नेगो ऑन अ सी मी भाई हाथ से पकड़ दिया उसने ले भाई साहब कलाकार आ गए। गाइस जो लोग फुटबॉल नहीं देखते मैं बता दूं फुटबॉल के अंदर रूल है कि आप हाथ से बॉल को नहीं पकड़ सकते राइट। गोलकीपर पकड़ सकता है गोलकीपर पकड़ सकता है बट नॉर्मल जो प्लेयर होते हैं वो नहीं पकड़ सकते। पहले क्रिकेट खेलता होगा पहले डांस करने वाले ऐसा लग रहा है। नो बॉडी बॉयज ऑन फायर मतलब जब कॉलेज खत्म होता है तब उस टाइम। हां हां देखते देखते बॉयज डांस ऑन फायर बॉयज डांस ऑन फायर चक्री वाला डांस हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ये तो फटे नवाबी नागट ही इज लिविंग इन अदर इन अनदर वर्ल्ड इन अनदर मतलब दूसरी दुनिया में बदल अदर वर्ल्ड दूसरी दुनिया का बंदा। ओ वो काय बोल ये क्या हुआ
उछाल के भागा होगा इधर भाई तो भाई क्या भाई बेचारा कितना बोला है भाई देखो खुद से अपसेट हो गया भाई लाइव करा देखो 605 लोग देख रहे हैं पता है ये बच्चा लाइव करा देखो 605 लोग देख रहे हैं ये देख इधर आ रहा है दुखी है बेचारा दुखी है मैजिक फेल हो गया एक बार हाथ लग जा ये आखिरी मीम भाई आज के दिन का आखिरी मीम ओके गाइस इसके बाद काम अपन लोग काम करने चले जाएंगे आप लोग वीडियो को लाइक कर देना अगर 100 के लाइक होता है तो इसका पार्ट 2 आएगा बट लाइक जरूर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना इसी ये तो BGMI वालों के लिए स्पेशल मीम ऐसा लग रहा है एक मिनट समझ जाएगा लेकिन सब मतलब गन नहीं मिला लैंडिंग स्पॉट पे पानी में निकल जाता ना वो हाँ बिल्कुल सही बनाया पेन से मारा सही सही बजा ये बढ़िया था भाई यार चलो इसी के साथ अपन लोग खत्म करते हैं गाइस ये वाला वीडियो कल मिलेंगे एक नए मीम रिव्यू बहुत मस्त था मेरे को बेचारे बच्चे के लिए बड़ा बुरा लगा लाइव था और वो बच्चा हाँ कि वो मैजिक कर रहा था ना और फेल हो गया मैजिक मतलब 600 या 800 लोग देख रहे थे और भाई इतना बुरा कि सोच क्या थी मतलब वो मारने वाले पे कुत्ता एक औरत का नाम है हम कर बच्चा कह रहा प्रधानमंत्री बनूंगा तुझे जेल करवाऊंगा रुक जा लेकिन ये चीज मेरे को अच्छी लगी ये जो अब अज्जू भाई रेगुलर मीम रिव्यूज ला रहे हैं ना ये देखने में मजा आता है इंटरेस्टिंग रहता है और काफी लोग बहुत पहले बोलते थे वो हमारे चैनल का इससे कोई वो नहीं हम बस रिव्यू कर रहे हैं आज सोफे में बैठी है तो भाई साहब ऐसे लुढ़क रही है ऐसे ऐसे सीधी बैठ जा और एक वो भी तो खतर चांद नवाब ऑल टाइम फेवरेट जो बजरंगी भाईजान में मिमिक्री करते हैं शुरू में तो बेचारा बहुत आराम से बोल रहा था सबको हट जाओ और जो ऐसे ऐसे करके भाई बट कमेंट में अज्जू भाई जरूर ओपी हो जाए और मीम्स हमेशा ओपी होते हैं अगर आप चाहते हैं हम और मीम्स से भी रिएक्ट करें तो प्लीज कमेंट कर देना मीम्स ओपी और अमित भाई तो एक देख क्या बोले मैं कुछ नहीं कहना चाहता बच्चे भगा दे इसलिए फिर आया वो बड़े आराम से देख रहा आया बच्चे अंदर के चाटा चढ़ दिया देखा भूत आ रहा है तो एक बार तो भागे भूत है क्या भूत ही तो है बैठ दिया भाई वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज से थी एंड आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा कोई चीज़ आपको लगी कि जो आपको नहीं ट्राई करनी चाहिए तो बिल्कुल ट्राई मत करना उस चीज़ को वरना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और अरे एक वो स्टार्टिंग में वो होता है सीट पे अगर बैठो गर्मी में सिकाई हो जाती है भाई साहब टूई की तो कौन कौन एग्री करता है और किस किस को रोज एहसास होता है मेरे हिसाब से सब लोग साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं गाड़ी में भी अगर गाड़ी की हो जाती है तो बाइक की तो और गाड़ी में तो ऐसा लगता है स्टीम एंड सोना टाइप में जल्दी चले गए आप तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब और अमेजिंग वीडियो सजेस्ट करना ना भूले आप चाहे तो आप मूवी सीन्स हो गए या आप गेम प्ले वीडियो सजेस्ट कर सकते हो या फिर फनी वीडियोस या फिर हॉरर वीडियोस भी हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लाने की काफी टाइम से हॉरर वीडियोस कम ही रिएक्ट करें ना हमने तो जल्दी लेके आते हैं मिलते हैं साथ बाय टेक केयर।